प्रवासी मजदूर सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित मेरे आदिवासी समुदाय के तमाम गणवीरों को मेरी ओर से जय जोहर। एससी के भाइयों को मेरी ओर से जोहर भीम। और माइनॉरिटी ओबीसी और तमाम तबके के सभी भाइयों को मेरी ओर से जय मंडल। और जो सरदार को मानने वाले हैं उनको मेरी ओर से जय सरदार करना चाहूंगा। मेरे भाइयों, आज बहुत खुशी का दिन और उसके साथ साथ एक बहुत चिंता का विषय है। मेरी स्पीच आज इस गुजरात राज्य के अंदर आप प्रवासी भाइयों के बीच में आकर के तो शब्द जो बोलने का मौका मिल रहा है, मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय के अंदर आप भाइयों से एक अर्ज करके जाना चाहता हूं कि मैं सोलंबर विधानसभा का विधायक प्रत्याशी चयनित हुआ और आने वाली 13 नवंबर को आपका एक कीमती वोट, आपका एक अमूल्य वोट और स्वाभिमानी वोट और उसको बटोरने के लिए आज ठीक 24 दिन बाकी है। मैं आप भाइयों से कहना चाहता हूं 24 दिन कम खा लेना, कम पी लेना और कम सो लेना और भारत आदिवासी पार्टी के दोनों प्रत्याशी को जिताने का काम करना। मैं आप भाइयों से कहना चाहता हूं 24 दिन कम खा लोगे, कम पी लेना, कम मौज मस्ती कर लेना। मैं आज आपको विश्वास दिला करके जाना चाहता हूँ 4 साल और रुकूंगी मेरी सरकार को सोने नहीं दूंगा चैन से। ये बात क्या आपके बीच बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो जहाँ किस गली मोहल्ले उनके साथ कौन सी दुर्घटना हो जाती है, आप भाई उसे आश्वस्त होकर के जाना चाहता हूँ। जिस भी भाई को, जिस भी बहन के साथ शोषण अत्याचार होता है वहाँ उस गली में जाकर के इकट्ठा हो जाना और वो मैसेज मुझे डाल देना, विधानसभा की पटल पर आपकी बात को उठा करके रखूंगा। ये बात मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ। और साथ ही एक ही बात अपनी बात को कहते हुए विराम देना चाहूंगा। खो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, खो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, इस हिमालय और पर्वत से नहीं गंगा निकलनी चाहिए। हो गया शोषण अत्याचार बहुत कुछ, अब तो गुलगुलान इस नई क्रांति से नई क्रांति निकलनी चाहिए। जय जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।